खानपुर के लंढौरा में राजा बलवंत सिंह श्री रामचरितमानस धर्मार्थ समाज हित संस्था समिति द्वारा आयोजित 15 दिवसीय रामलीला मंचन का समापन हुआ। रामलीला मंचन के आखिरी दिन स्थानीय कलाकारों द्वारा रावण वध और रामराज तिलक की लीलाओं का भावपूर्ण मंचन किया गया। वहीं हनुमान जी द्वारा मौके पर पहुंचकर राम लक्ष्मण को बचाने के साथ ही अहिरावण का वध करने का प्रसंग काफी रोचक रहा। वनवास की अवधि पूरा होने के बाद भगवान राम लक्ष्मण और सीता के अयोध्या वापस आने पर चारों तरफ खुशी छा गई। समापन के दौरान पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन रामलीला ने सभी कलाकारों को पुरस्कार वितरण कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह लंढौरा रियासत में होने वाली रामलीला के 101 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रणव ने कहा कि वह लंढौरा रियासत की 17वीं पीढ़ी के वंशज हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं और बच्चों को श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। लंढौरा रियासत की रामलीला जिसको राजा बलवंत सिंह रामलीला समिति कराती आई है, इस वर्ष 101वां संस्करण परिपूर्ण कर चुकी है और समस्त उत्तराखंड में अपने आप में रिकॉर्ड है। जनपद हरिद्वार में भी किसी का इतना लंबा समय नहीं हुआ है और ये सब लंढौरा के ग्रामवासियों का समर्पण, धर्मावलंबी समर्पण जो उनका रहा है श्री राम की ओर, ये उसका नतीजा है। और आज मैं लंढौरा रियासत का 17वीं पीढ़ी का वंशज होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने आया हूँ।